नशा मेहनत का कीजिए जनाब, बीमारी आई भी तो सक्सेस की आएगी। कल हंसते हुए एक गरीब को देखा, बहुत दौलत थी उसके चेहरे पर। तारीख गवाह है कि हर दाढ़ी वाले को लड़की मिल ही जाती है, मगर हर लड़की के नसीब में दाढ़ी वाला नहीं होता। कदर और वक्त दोनों कमाल की चीज है, जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। किसी इंसान पर दोबारा भरोसा करना और एतबार करना उसे बंदूक थमाने जैसा है कि ले भाई दोबारा कोशिश कर, तेरी पहली गोली मिस हो गई थी। बात समझ में आई? दुआ दस्तक की तरह होती है, और बार बार दस्तक देने से दरवाजा खुल ही जाता है। इसलिए दुआ करते रहिए, दरवाजा जरूर खुलेगा। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, मगर अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। वो पूछते हैं क्या हुआ दिल को, हुस्न वालों की ये सादगी अब तक न गई। अमीरी माना नहीं रखती साहब, कारनामे और करतूत हैसियत बता देते हैं। इस इल्तिजा के बाद कोई इल्तिजा नहीं, मेरा सनम हमेशा बस मेरे रूबरू रहे, तेरा ख्याल तेरी जुस्तजू रहे, मैं न रहूं मुझ में फकत तू ही तू रहे। इस फोटो को आप गौर से देखिए, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको मदद की जरूरत होती है और लोग मदद भी करना चाहते हैं, लेकिन आपके स्वभाव, आपके अखलाक, आपके व्यवहार और आपकी खराब आदतों की वजह से लोग चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकते। इसलिए सुधारो अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को और अपने करतूतों को, ताकि जिंदगी में कभी ऐसा मौका न आए। बात समझ में आई? जब औरत को बिस्तर पर लाना होता है तो कोई जात नहीं देखता, लेकिन जब बात उस औरत से शादी करने की, उसको निभाने की आ जाए, तो सात नस्लों की, सात पुश्तों की जाते याद आ जाती है। लानत है ऐसे लोगों पर। हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना हमारे नबी की सुन्नत है। मुस्कुराइए। अगर मियां बीवी का झगड़ा बार बार बेडरूम से बाहर आ जाता है, तो आप ये समझ लो कि उस बेडरूम में दो जिंदा लाशें रहती हैं। कोरोना ने कहा चुपके से, एक बात बताने आया हूं, मैं कीड़ा हूं एक छोटा सा, पैगाम बड़ा सा लाया हूं, और मैं खुद से तो आया नहीं, एक अजाब बनकर आया हूं। इंसान गफलत में था सोया, बस उसको जगाने आया हूं। खुदा से जो मुंह मोड़ा था, अब उन्हें रास्ता दिखाने आया हूं। तुम अपनी हद से न निकलो, ये सबको समझाने आया हूं। जो अकड़ कर हरदम चलते थे, गर्दन उनकी झुकाने आया हूं। औकात तुम्हारी कितनी है, ये आईना दिखाने आया हूं। खुदा की पकड़ अचानक होती है, ये एहसास दिलाने आया हूं। जालिम की पकड़ भी होनी है, ये उसको भी बताने आया हूं।
मजलूम कभी अकेला नहीं है, उसे हौसला देने आया हूँ। जो रोते रहे इस दुनिया में, उन्हें ढारस बंधाने आया हूँ। जो हंसते रहे दिन रात यहाँ मजलूमों पर, उनको रुलाने आया हूँ। खुदा की ताकत कितनी है ये अंदाजा कराने आया हूँ। कयामत का दिन कैसा होगा ये मंजर दिखाने आया हूँ। सब ठाट पड़ा रह जाएगा उसकी एक झलकी दिखाने आया हूँ। वही खालिक है, वही मालिक है, ये सबक पढ़ाने आया हूँ। अब तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने, मैं तो बस एक ढलता हुआ साया हूँ। इंसान मिट्टी का वो लट्टू है जो सारी दुनिया घूम फिर कर फिर बनाने वाले के हाथ आ जाता है। अदब के चक्कर में हमने कुरान को इतना ऊंचा रख दिया कि अब हमारा वहां तक हाथ ही नहीं पहुंचता। अफसोस है ना,